भगवान, मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठतम और सरलतम साधन है जिससे कि मनुष्य को नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। नानोग्र यातनान्येयात्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। इन उग्र यातनाओं का शिकार न होना पड़े इसका उपदेश आप कीजिए। क्योंकि पाप से बचना बहुत कठिन है, अंतःकरण की जो जन्मांतरीय अपकर्मों के द्वारा निर्मित हुई मलिन वासना है, उस मलिन वासना का प्रभाव चित्त पर एक जन्म से नहीं अनेकों जन्मों से पड़ा हुआ है। जब तक उस मलिन वासना के संस्कार रहेंगे और जब जब वे संस्कार प्रबल होंगे, उद्बुद्ध होंगे, फिर मनुष्य विवेक शून्य हो जाएगा और जो उसे नहीं करना चाहिए वो करने लग जाएगा। अब एक जन्म का तो है नहीं, अनेकों जन्मों के संस्कार हैं, मलिन संस्कार। और संसार की स्थिति ये है, ये तो काजर की कोठरी है, काजर की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। काजल का ही फर्श हो, काजल की ही दीवाल हो, काजल का ही छत हो, जंगला खिड़की फाटक सब कागज काजल के ही हो, और आपको बढ़िया बगबगे कपड़ा पहन के, सफेद कपड़ा पहन के भीतर प्रवेश करा दिया जाए और यही कहा जाए कि बस एक ही शर्त है इसमें रहिए आप, पर कहीं भी काजल का एक धब्बा ना लगे, कैसे संभव भाई? बहुत सावधानी रखोगे तो भी काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। धर्मराज युधिष्ठिर से अधिक सावधान कौन होगा? और भगवान ने उनको समझाया कि देखो धर्मराज, द्रोणाचार्य जी के हाथ में जब तक धनुष है, गुरु जी के हाथ में, तब तक हमारी तुम्हारी तो चले, क्या इंद्रादि देवता भी युद्ध में आ जाएं तो भी उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है 10,000 वीरों के नित्य संहार की, वो अपने पूरी करेंगे। और तुम्हारी सेना देख लो पहले से ही कम है और सब सफाया होती चली जा रही है। यदि द्रोणाचार्य जी को युद्ध से विरत नहीं किया गया तो तुम्हारी विजय संभव नहीं है, और उनको युद्ध से विरत करने का एक ही उपाय है। वे कह चुके हैं कि मेरे पुत्र, एक ही पुत्र है प्राणप्रिय अश्वत्थामा, उसकी मृत्यु का समाचार सुनते ही हम धनुष रख देंगे पर युद्ध नहीं करेंगे। बोल दो। युधिष्ठिर बोले, प्रभु आप झूठ बोलने की शिक्षा दे रहे हो, झूठ कैसे बोलें? अरे बोले, राजाओं को विजय प्राप्त करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बोल दो जी। अच्छे रहे आप भी, धर्म विग्रह होकर सत्य स्वरूप होकर हमको झूठ बोलने की सलाह दे रहे हो, सरकार हमारे गले तो नहीं उतर रही है। भीमसेन ने एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको मार दिया।
सिंहनाद किया, अश्वत्थामा मर गया। अब तो सच्ची बात है ना, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, हल्ला मच गया, शंख बज गए, भेड़ी घड़ियाल सब बज गए। द्रोणाचार्य जी सेनापति बोले, ये पांडवों के पक्ष में इतना विजय का उत्सव कैसे मनाया जा रहा है? बोले भीमसेन कहते हैं कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, संभव तो नहीं है, वो तो दीर्घजीवी है, कैसे मर गया अश्वत्थामा, मन उत्सव तो इसलिए हो रहा है। हम विश्वास नहीं करते, धर्मराज युधिष्ठिर कह दें तो विश्वास करें। भगवान ने कहा अब गेंद तुम्हारे पाले में है, बोल दो कुछ नहीं, हाथी तो मरा, कोई ना कोई तो मरा अश्वत्थामा के नाम का, कह दो क्या है। लोभ है सर्व पाप को मूल, विजय का लोभ आ गया और उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। आगे बोला नरोवा कुंजरः, माने मनुष्य मरा के हाथी हमने देखा नहीं, पर मरा जरूर अश्वत्थामा नाम का। ठाकुर जी तो पहले से तैयार, अश्वत्थामा हतः के बाद तुरंत उन्होंने पांच जन शंख बजा दिया जोर से, तो नरोवा कुंजरः सुनाई नहीं पड़ा। अश्वत्थामा मरा इतना ही सुना, और धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकते, ये विश्वास द्रोणाचार्य जी को था, इसलिए तुरंत उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी, आचमन प्राणायाम करके बैठ गए और ऋषियों के समान ब्रह्मरंध्र से प्राणोत्सर्ग करके वे उन्होंने ब्रह्मलोक प्रयाण किया। महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि सत्य के बल से धर्मराज युधिष्ठिर के रथ के पहिए धरती से चार उंगुल ऊपर चलते थे। जब से उन्होंने ऐसा कहा तो उनका रथ सभी रथों के जैसे धरती से छू करके चलने लग गया, और एक क्षण के लिए उनका अत्यंत तेजोमय गौर वर्ण का मुखमंडल काला पड़ गया, यादा झूठ बोलने से। महाभारत में लिखा है, आप मूल ग्रंथ में देख सकते हैं इस बात को। और इसके कारण उन्हें नरक देखना पड़ा, भले ही नरक भोगे नहीं लेकिन नरक देखा तो सही उन्होंने। आप सोचो कितना कठिन है पाप से बचना। अच्छा एक बात और हम बताएं, करना क्या चाहिए था? युधिष्ठिर जी को कहना चाहिए था कि प्रभु आप किस लिए हो, फिर आप सर्वसमर्थ हो, आप जिसकी विजय चाहोगे विजय हो जाएगी, जिसकी पराजय चाहोगे पराजय हो जाएगी, एक गुरु जी द्रोणाचार्य जी की क्या चले, हजार द्रोणाचार्य जी उपस्थित हो जाएं तो भी आपसे बड़ा थोड़ी कोई है। इसलिए आपको अपने भक्तों की विजय चाहिए तो आप जैसे चाहो वैसे कराओ, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो ठाकुर जी कराते विजय, और ध्यान से सुने, ऐसा एक प्रकरण महाभारत में आया है। हाँ, ऐसा प्रकरण महाभारत में आया है, भीष्म पितामह के पराक्रम से जब पांडव सेना विचलित हो गई, युधिष्ठिर अत्यंत उदास हो गए और रथ से उतर करके भगवान के पास आकर बोले कि अब सब त्रस्त हैं, भीष्म रूपी अग्नि पांडवों के सहित हमारी सेना को जैसे सूखा जंगल जलकर खाक हो जाए ऐसे जला देंगे। प्रभु अब आप ही रक्षा कीजिए। जैसे ही युधिष्ठिर ने आर्त होकर कहा, भगवान रथ से कूद पड़े चाबुक लेकर के, खड़े हो जाओ, किसी को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं,
भीष्म को अभी मैं काल के हवाले करता हूं, द्रोणाचार्य आदि जितने भी कौरव योद्धा हैं सबको आज ही काल के हवाले करता हूं, आज ही तुम्हारा राष्ट्रक करता हूं। भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है, एक क्षण में खेल खत्म कर देते। अर्जुन ने चरण पकड़ लिए भीम जी ने और युधिष्ठिर ने चरण, जय जय प्रभु, रहन दो प्रभु, आप कृपा कीजिए, आपकी प्रतिज्ञा मत छोड़िए आप। तब ठाकुर जी ठंडे पड़े, भगवान तो कह ही चुके हैं, ये उनके लिए बहानेबाजी थोड़ी कि ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, आप काहे के लिए नहीं हो सकता है तो अरे अपने बल पे होता तो आपको काय को हम अपने रथ की बागडोर आपके हाथ में क्यों सौंपते। जिसके हाथ में बागडोर है परवाह उसको होनी चाहिए, प्रभो हम जय पराजय नहीं जानते, हम तो आपको जानते हैं। ठाकुर जी करते कोई ना कोई व्यवस्था, लेकिन ये नहीं कह पाए, अथवा दूसरा पक्ष धर्म अधर्म कुछ नहीं सोचते, भगवान की जो आज्ञा है हम तो वो करेंगे, ये जाने तो भी कुछ नहीं होता। आपको उदाहरण दे सकते हैं, वसुदेव जी महाराज महान धर्मनिष्ठ सत्यवादी सत्य प्रतिज्ञ, उनकी सत्यवादिता पर कंस जैसे दुष्ट को विश्वास है। कंस को विश्वास नहीं होता तो उसी समय देवकी को मार देता। कंस को विश्वास है कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, और 6 संतान तो वसुदेव जी ने सौंप दी, साथ में दाऊ जी वहां चले गए, चलो वो तो कोई बात नहीं, 8वें में तो बिल्कुल झूठ बोल गए वसुदेव जी। उनको कहना चाहिए था कि प्रभो आप प्रकट हो गए हो, हम आपके मामा जी को खबर करते हैं, कुछ नहीं रातों रात चुप्पे चाप चले गए और वहाँ पधराए आए और कन्या ले आए, और यहाँ कंस को ये और कह दिया कि महाराज ये तो कन्या है, लो इतना झूठा व्यवहार ऐसे सत्यवादी के द्वारा। और वसुदेव जी को स्वप्न में भी नरक नहीं देखना पड़ा, क्यों, क्योंकि वे जानते हैं सत्य के भी सत्य श्री कृष्ण हैं, सत्य सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम् निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनिम् निहितं, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यस्य सत्य सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे सत्यात्मक श्री कृष्ण हम आपकी शरण में, तो सत्य स्वरूप श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, जो सत्य के भी बाप हैं सत्य के भी सत्य हैं वे कह रहे हैं, तो उनकी बात हमें माननी चाहिए। इसलिए वसुदेव जी को पाप का स्पर्श भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन किया।